नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं BHU स्टूडेंट लाइफ। BHU स्टूडेंट लाइफ के एक नए एपिसोड में हम आपको फैकल्टी ऑफ लॉ का दर्शन कराएंगे। आईला वाला नहीं, लॉ वाला ला। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ से लोग पढ़े हुए जज बनते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एक एलुमिनाई जो कि यहीं से पढ़े हैं, जो कि जज हैं। आज बिहार जुडिशरी में सेकेंड रैंक लाए हैं अपने, मतलब एक जनरल होता है एक OBC होता है, तो OBC रैंक के हिसाब से उनका जज में सेकंड रैंक आया है। वो यहीं से पढ़े हुए हैं और फिलहाल में इसका जो सामने से दिखता हुआ फ्रंट गेट है वो नया बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका पूरा लॉ फैकल्टी। और लॉ फैकल्टी में क्लासेस कैसी चलती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, ये खुलने के बाद आपको अंदर से ज़रूर एक बार दिखाया जाएगा। लेकिन मैं अभी बता दूँ तो मैं अपने सीनियर्स यहाँ पे पढ़े हुए हैं, जो मतलब मेरे सीनियर्स तो नहीं है, मैं लॉ फैकल्टी का बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो कुछ लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो हमसे बड़े हैं, जिनको मैं सीनियर बोल रहा हूँ, वो कुछ प्रोफेसर्स की कहानी सुनाते थे कि जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ के, बहुत तगड़ी फैकल्टी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है इसको। और मैं पुराने लोगों की तरह ब्लॉग नहीं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये शाम हो गई है, ये मनमोहक दृश्य है, यहाँ पे पक्षी गूंज रहे हैं, ये देखिए मोर भाग रहा है, ये देखिए बारिश हो रही है, एकदम धूप निकलता है तो रजा एकदम बढ़िया लगता है। उस ठेठ में नहीं बातें करनी है, आपको कुछ एजुकेशनल बातें बतानी है। लॉ फैकल्टी के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से चाहते हैं कि आप लॉ की प्रिपरेशन करें, तो लॉ के कुछ छात्र हमारे चैनल पर आपको ढेर सारी चीज़ें दे देंगे। मतलब ढेर सारी चीज़ें हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड की गई हैं, जो कि एजुकेशनल चैनल है, BHU के ही ऊपर है, पूरा BHU का नाम दिया गया है उसको। और लॉ फैकल्टी मतलब यहाँ का लॉ फैकल्टी इंडिया के लगभग थर्ड या फोर्थ रैंक पे आता है, और जज फैक्ट्री भी इसको बोला जाता है। मतलब ये स्कूल नहीं, फैकल्टी ऑफ लॉ नहीं, एक तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ बिगेस्ट जज फैक्ट्री इन दिस इंटायर इंडिया। तो मुरली सर जैसे लोग प्रोफेसर, जिनके रिसर्च कहीं हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, वो आपके फैकल्टीज़ हैं, वो आपके डिपार्टमेंट पे रहने वाले टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, और कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई आनंद मिश्रा हैं कोई, जिन्होंने किसी को एडमिट कार्ड देने के लिए बहुत ज़्यादा वो कर दिया। किसी को अगर मालूम है ये इंसिडेंट तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे। मतलब उन्होंने एड़ी चिट्ठी एक कर दी, लेकिन उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला। वाइस चांसलर चाहा गया है कि एडमिट कार्ड लड़की को मिल जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देने के लिए उनको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका अटेंडेंस बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूडली एक प्रोफेसर, एक गुरु से बात की थी। आजकल आप देख रहे हैं प्रोफेसर का क्या हाल है इंडिया में। शिक्षक हमारे यहाँ 1600 रुग मर रहे हैं, और मतलब बेईमान जो सरकार है हमारी, वो बोल रही है कि सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तो अब इससे बड़ा सच आपको इस ब्लॉग में मैं क्या बताऊँ। तो ये है हमारे प्रोफेसर का हाल। लेकिन टीचर्स की इज्जत हम छात्र को ज़रूर करनी चाहिए, जो छात्र उनसे पर्सनली पढ़ रहे हैं। उन्होंने इज्जत नहीं की, उन्होंने उनको झिला दिया। मिश्रा सर उनको एडमिट कार्ड देने से मना कर दिए, यहीं बैठे हुए थे धरने पे, बिल्कुल नहीं दिया एडमिट कार्ड। एड़ी चिट्ठी एक हो गई, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं मिला। ये हमारा फैकल्टी ऑफ, देख सकते हैं, लॉ फैकल्टी। यहाँ से अगर आप खड़े होकर के, मतलब एकदम आप यहाँ पे खड़े होते हैं दरवाजे पे, जैसे आप इस दरवाजे पे खड़े हुए हैं, लगभग इस दरवाजे से जस्ट सामने देखेंगे तो आपको कुछ वैसा दृश्य दिखेगा। और ये दृश्य मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा दृश्य आप मतलब बहुत कम लोगों को देखने के लिए मिलता है। BHU के भी जो स्टूडेंट होते हैं वो लॉ फैकल्टी मतलब बहुत कम आए हुए होते हैं, बहुत कम सीट होती है, और इतनी कम सीट होती है कि आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सिलेबस, पेपर पैटर्न, कट ऑफ, एलुमिनाई टॉक, मतलब जो यहाँ से पढ़ चुके हैं एलुमिनाई, वो एलुमिनाई टॉक आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल से आप सब कुछ प्राप्त करिए, पढ़िए अच्छे से, पढ़िए मतलब एकदम मन लगा के पढ़िए। BA के लिए आपको इतना एंट्रेंस के लिए, जब BA के एंट्रेंस के लिए आप इतना मेहनत करते हो, तो लॉ फैकल्टी के एंट्रेंस के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी, आपको ये ज़रूर सोचना होगा। और आप अगर कोई अलग फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लॉ फैकल्टी का वीडियो यूं ही खोल लिया है, तो बताइए, हम जैसे ये लॉ फैकल्टी दिखाए हैं वैसे आपको एक अलग फैकल्टी दिखाएंगे, जो कि आपसे वो लिंक करती होगी।
और उसका सिलेबस पेपर पैटर्न उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। हम लोग एक एक चीज़ों को एक्यूरेटली यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप यहाँ पे फेयर तरीके से आ सकें, किसी ऐसे ऑनलाइन कोचिंग या फिर बेवकूफ़ी में ना पड़े कि आपको इसका दर्शन तक ना हो पाए। तो एक बार दर्शन करना है तो भी इंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, और मतलब आपको कुछ भी करना होगा, आप यहाँ पे एक अगर एक सांस भी लेना चाहते हो बीएचयू में तो आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा। आप वैसे तो आ सकते हैं, किसी के भाई भतीजा चाचा बन के आ सकते हैं, आप किसी अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन समझिए आपका क्या इज्जत है। जब तक आप एक छात्र नहीं हैं तब तक आपके लिए अधिकार जीरो हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपके अधिकार ये 5 हैं और आप मुट्ठी बांध करके खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाज़ अपने हाथ। और ये है, ये देखिए कुछ प्यार हो रहा है, हम दिखा सकते हैं, और ऐसे ही बीएचयू में ये सब चीज़ें भी दिखा सकते हैं आपको, आप हमको कमेंट करिए। लेकिन देख, जैसे बजरंग दल को देखते हैं लोग भाग जाते हैं। ये हमारा कानून, कानून की गिरफ्त में रहना है तो आप कानून की पढ़ाई करिए। यहाँ से पूरी फैकल्टी को देखिए और पीछे चलते हैं ऐसे ही। मैं ये गेट के पास से स्टार्ट करने की सोच रहा था लेकिन ये गेट बंद था। बगल में कोविड लेवल 3 का हॉस्पिटल बनाया गया है DRDO द्वारा। DRDO क्या है अब ये ज़रूर आप जानिएगा, लेकिन ये अभी बंद है। तो लॉ फैकल्टी एकदम बंद है। अब लोगों का कमेंट आएगा कि कोई और फैकल्टी दिखाइए, तो दिखाएंगे। लोगों के कमेंट ये आएंगे कि कट ऑफ क्या है, वो डिस्क्रिप्शन में है। लोगों के कमेंट ये होंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इससे कैसे एडमिशन ले सकते हैं इसमें, तो ये भी डिस्क्रिप्शन में है। और लोगों का कमेंट आएगा कि 2021 में इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं बता दूं कि BHU में ही मैं रह रहा हूं, एग्ज़ाम का कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। कुछ लोग तकियानुसी बातें करते हैं कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देते थंबनेल पे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका एग्ज़ाम अब होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपका एग्ज़ाम तभी होगा जब BHU कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करेगी। अब BHU कोई ऑफिशियल नोटिस हमको नहीं लगता कि जब तक DRDO यहाँ पे बंद रहेगा, ऑपरेटेड रहेगा, जब तक यहाँ पे पेशेंट आएंगे तब तक यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया जाएगा, एंट्रेंस नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा रोड बंद कर दिया गया है। BHU के एक एक रोड बंद कर दिए गए हैं क्योंकि DRDO बगल में बन रहा है। दोस्तों, बेवकूफ़ों के चक्कर में मत पड़िए, लोग आपको फालतू खबर सुनाएं कि DU BHU JNU एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा ये थोड़ी सी भी एक छोटी सी बैठक होती है, आप लोग को परेशान कर दिया जाता है। आप लोग को परेशान क्या किया जाता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपके साथ ये होगा वो होगा, क्या बदलाव हुए? अरे बदलाव जो भी होंगे आपको पेपर में निकाला जाएगा, आपको बताया जाएगा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है BHU, इंडिया के लेवल पर नंबर 3rd पर आती है, क्या आपको लगता है कि यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपको बताया नहीं जाएगा? तो आप पढ़ने में ध्यान दीजिए, बिल्कुल पूरा फोकस पढ़ने पे लगाइए। अगर आप छोटी छोटी नोटिसेज BHU की जानने में लग जाएंगे, तो मैं एज अ BHU स्टूडेंट आपको एक बात लिख के देता हूँ, आपका एडमिशन कभी नहीं होगा। आपको ये बात बुरी लगेगी लेकिन एक साल बाद याद करिएगा, हफ्ते समय याद करिएगा, लेकिन याद करिएगा आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना दीजिए, बड़ी बड़ी चीज़ें देखिए, सिलेबस देखिए, कट ऑफ देखिए, एलुमनाई टॉक देखिए, यहाँ के लोग पढ़े पढ़े कहाँ गए वो देखिए, मन को आगे बढ़ाइए और कैंपस टूर देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाक से। ऐसी ऐसी बातें BHU के अंदर की बातें और BHU की फैकल्टी की बातें सब मैं बताता रहूँगा, रिलेट कर सकते हैं आप अपने स्टूडेंट लाइफ से। तो ये है आपका बड़ा सा बगीचा जिसको गार्डन बोलते हैं इंग्लिश में, ये है आपका छोटा सा बगीचा जिसको झाड़ी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये है आपका लॉ फैकल्टी। और मिलेंगे आपको किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा आपको धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हाथ नहीं जोड़ने की ज़रूरत पड़े यार, छात्र हैं मालवी जी के। जय हिंद, जय भारत।